हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में साउथ की भगीरा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो। कन्नड़ सिनेमा की धूम मचाने वाली फिल्म भगीरा आपको घर बैठे आराम से देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक दमदार एक्शन फिल्म है जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। भगीरा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। भगीरा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की बारे में है जो दिन में आम आदमी होता है लेकिन रात में वो सुपर हीरो भगीरा बन जाता है। वे अपने गाँव वालों को न्याय दिलाने के लिए बुराई से लड़ता है। अगर आप एक्शन थ्रिलर और एक अच्छी कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो भगीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये फिल्म आपको कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में ले जाएगी और आपको एक नया अनुभव देगी। बता दें कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें श्री मुरली मुख्य भूमिका में है। इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 29 करोड़ का कलेक्शन किया था और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है। ये कन्नड़ सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़ भाषा की है और इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। एक कन्नड़ भाषा की फिल्म को डॉक्टर सूरी ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म में वेदांत नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है जो सुपरमैन जैसा बनना चाहता है और उसे उम्मीद का प्रतीक मानता है। हालांकि वह अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह पुलिस में भर्ती होता है। वह पुलिस ऑपरेशन करता है जिसमें कई गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उन अपराधियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके पिता भी भ्रष्टाचार अधिकारी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है। इन सब के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह न्याय के लिए एक सुपर हीरो की पोशाक पहन लेता है और बगीरा बन जाता है। कन्नड़ फिल्म बगीरा में सी मुरली ने आईपीएस वेदांत प्रभाकर और बगीरा की भूमिका निभाई है। रुक्मिणी वसंत डॉक्टर स्नेहा की भूमिका में नजर आई है। प्रकाश राज ने गुरु की भूमिका निभाई है जो एक सीबीआई अधिकारी है। अच्युत कुमार प्रभाकर की भूमिका में है। रंगनायन रघु ने नारायण की भूमिका में है और सुधा रानी ने वेदांत की माँ की भूमिका निभाई है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में साउथ की भगीरा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो। कन्नड़ सिनेमा की धूम मचाने वाली फिल्म भगीरा आपको घर बैठे आराम से देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक दमदार एक्शन फिल्म है जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। भगीरा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। भगीरा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की बारे में है जो दिन में आम आदमी होता है लेकिन रात में वो सुपर हीरो भगीरा बन जाता है। वे अपने गाँव वालों को न्याय दिलाने के लिए बुराई से लड़ता है। अगर आप एक्शन थ्रिलर और एक अच्छी कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो भगीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये फिल्म आपको कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में ले जाएगी और आपको एक नया अनुभव देगी। बता दें कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें श्री मुरली मुख्य भूमिका में है। इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 29 करोड़ का कलेक्शन किया था और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है।
एक अंदर सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़ भाषा की है और इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। एक कन्नड़ भाषा की फिल्म को डॉक्टर सूरी ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म में वेदांत नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है जो सुपरमैन जैसा बनना चाहता है और उसे उम्मीद का प्रतीक मानता है। हालांकि वह अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह पुलिस में भर्ती होता है। वह पुलिस ऑपरेशन करता है जिसमें कई गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उन अपराधियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके पिता भी भ्रष्टा अधिकारी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है। इन सब के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह न्याय के लिए एक सुपर हीरो की पोशाक पहन लेता है और बगीरा बन जाता है। कन्नड़ फिल्म बगीरा में सी मुरली ने आरपीए वेदांत प्रभाकर और बगीरा की भूमिका निभाई है। रुक्मिणी वसंत डॉक्टर स्नेहा की भूमिका में नजर आई है। प्रकाश राज ने गुरु की भूमिका निभाई है जो एक सीबीआई अधिकारी है। अच्युत कुमार प्रभाकर की भूमिका में है। रंगनायन रघु ने नारायण की भूमिका में है और सुधा रानी ने वेदांत की माँ की भूमिका निभाई है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में साउथ की बगीरा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो। कन्नड़ सिनेमा की धूम मचाने वाली फिल्म बगीरा आपको घर बैठे आराम से देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक दमदार एक्शन फिल्म है जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बगीरा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। बगीरा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दिन में आम आदमी होता है लेकिन रात में वो सुपर हीरो बगीरा बन जाता है। वे अपने गाँव वालों को न्याय दिलाने के लिए बुराई से लड़ता है। अगर आप एक्शन थ्रिलर और एक अच्छी कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बगीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये फिल्म आपको कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में ले जाएगी और आपको एक नया अनुभव देगी। बता दें कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें सी मुरली मुख्य भूमिका में है। इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 29 करोड़ का कलेक्शन किया था और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है। ये कन्नड़ सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़ भाषा की है और इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। एक कन्नड़ भाषा की फिल्म को डॉक्टर सूरी ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म में वेदांत नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है जो सुपरमैन जैसा बनना चाहता है और उसे उम्मीद का प्रतीक मानता है। हालांकि वह अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह पुलिस में भर्ती होता है। वह पुलिस ऑपरेशन करता है जिसमें कई गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उन अपराधियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके पिता भी भ्रष्टा अधिकारी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है। इन सब के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह न्याय के लिए एक सुपर हीरो की पोशाक पहन लेता है और बगीरा बन जाता है। कन्नड़ फिल्म बगीरा में सी मुरली ने आरपीए वेदांत प्रभाकर और बगीरा की भूमिका निभाई है। रुक्मिणी वसंत डॉक्टर स्नेहा की भूमिका में नजर आई है। प्रकाश राज ने गुरु की भूमिका निभाई है जो एक सीबीआई अधिकारी है। अच्युत कुमार प्रभाकर की भूमिका में है। रंगनायन रघु ने नारायण की भूमिका में है और सुधा रानी ने वेदांत की माँ की भूमिका निभाई है।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में साउथ की भगीरा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो। कन्नड़ सिनेमा की धूम मचाने वाली फिल्म भगीरा आपको घर बैठे आराम से देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक दमदार एक्शन फिल्म है जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बघीरा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। बघीरा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दिन में आम आदमी होता है लेकिन रात में वो सुपर हीरो बघीरा बन जाता है। वे अपने गाँव वालों को न्याय दिलाने के लिए बुराई से लड़ता है। अगर आप एक्शन थ्रिलर और एक अच्छी कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बघीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये फिल्म आपको कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में ले जाएगी और आपको एक नया अनुभव देगी। बता दें कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें श्री मुरली मुख्य भूमिका में है। इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 29 करोड़ का कलेक्शन किया था और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है। यदि कन्नड़ सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़ भाषा की है और इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। ये कन्नड़ भाषा की फिल्म को डॉक्टर सूरी ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म में वेदांत नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है जो सुपरमैन जैसा बनना चाहता है और उसे उम्मीद का प्रतीक मानता है। हालांकि वह अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह पुलिस में भर्ती होता है। वह पुलिस ऑपरेशन करता है जिसमें कई गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उन अपराधियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके पिता भी भ्रष्ट अधिकारी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है। इन सब के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह न्याय के लिए एक सुपर हीरो की पोशाक पहन लेता है और बघीरा बन जाता है। कन्नड़ फिल्म बघीरा में सी मुरली ने आरपीए वेदांत प्रभाकर और बघीरा की भूमिका निभाई है। रुक्मिनी वसंत डॉक्टर स्नेहा की भूमिका में नजर आई है। प्रकाश राज ने गुरु की भूमिका निभाई है जो एक सीबीआई अधिकारी है। अच्युत कुमार प्रभाकर की भूमिका में है। रंगनारायण रघु ने नारायण की भूमिका में है और सुधा रानी ने वेदांत की माँ की भूमिका निभाई है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में साउथ की भगीरा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो। कन्नड़ सिनेमा की धूम मचाने वाली फिल्म बघीरा आपको घर बैठे आराम से देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक दमदार एक्शन फिल्म है जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बघीरा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। बघीरा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दिन में आम आदमी होता है लेकिन रात में वो सुपर हीरो बघीरा बन जाता है। वे अपने गाँव वालों को न्याय दिलाने के लिए बुराई से लड़ता है। अगर आप एक्शन थ्रिलर और एक अच्छी कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बघीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये फिल्म आपको कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में ले जाएगी और आपको एक नया अनुभव देगी। बता दें कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें श्री मुरली मुख्य भूमिका में है। इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 29 करोड़ का कलेक्शन किया था और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है। यदि कन्नड़ सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़ भाषा की है
और इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। एक कन्नड़ भाषा की फिल्म को डॉक्टर सूरी ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म में वेदांत नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है जो सुपरमैन जैसा बनना चाहता है और उसे उम्मीद का प्रतीक मानता है। हालांकि वह अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह पुलिस में भर्ती होता है। वह पुलिस ऑपरेशन करता है जिसमें कई गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उन अपराधियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके पिता भी भ्रष्टाचार अधिकारी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है। इन सब के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह न्याय के लिए एक सुपर हीरो की पोशाक पहन लेता है और बगीरा बन जाता है। कन्नड़ फिल्म बगीरा में सी मुरली ने आईपीएस वेदांत प्रभाकर और बगीरा की भूमिका निभाई है। रुक्मिणी वसंत डॉक्टर स्नेहा की भूमिका में नजर आई है। प्रकाश राज ने गुरु की भूमिका निभाई है जो एक सीबीआई अधिकारी है। अच्युत कुमार प्रभाकर की भूमिका में है। रंगनायन रघु ने नारायण की भूमिका में है और सुधा रानी ने वेदांत की माँ की भूमिका निभाई है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में साउथ की बगीरा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो। कन्नड़ सिनेमा की धूम मचाने वाली फिल्म बगीरा आपको घर बैठे आराम से देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक दमदार एक्शन फिल्म है जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बगीरा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। बगीरा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दिन में आम आदमी होता है लेकिन रात में वो सुपर हीरो बगीरा बन जाता है। वे अपने गाँव वालों को न्याय दिलाने के लिए बुराई से लड़ता है। अगर आप एक्शन थ्रिलर और एक अच्छी कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बगीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये फिल्म आपको कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में ले जाएगी और आपको एक नया अनुभव देगी। बता दें कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें सी मुरली मुख्य भूमिका में है। इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 29 करोड़ का कलेक्शन किया था और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म ओटीटी पर आ गई है। एक कन्नड़ सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़ भाषा की है और इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। एक कन्नड़ भाषा की फिल्म को डॉक्टर सूरी ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म में वेदांत नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है जो सुपरमैन जैसा बनना चाहता है और उसे उम्मीद का प्रतीक मानता है। हालांकि वह अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह पुलिस में भर्ती होता है। वह पुलिस ऑपरेशन करता है जिसमें कई गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उन अपराधियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके पिता भी भ्रष्टाचार अधिकारी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है। इन सब के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह न्याय के लिए एक सुपर हीरो की पोशाक पहन लेता है और बगीरा बन जाता है। कन्नड़ फिल्म बगीरा में सी मुरली ने आईपीएस वेदांत प्रभाकर और बगीरा की भूमिका निभाई है। रुक्मिणी वसंत डॉक्टर स्नेहा की भूमिका में नजर आई है। प्रकाश राज ने गुरु की भूमिका निभाई है जो एक सीबीआई अधिकारी है। अच्युत कुमार प्रभाकर की भूमिका में है। रंगनायन रघु ने नारायण की भूमिका में है और सुधा रानी ने वेदांत की माँ की भूमिका निभाई है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में साउथ की बगीरा फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो।
कन्नड़ सिनेमा की धूम मचाने वाली फिल्म बगीरा आपको घर बैठे आराम से देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक दमदार एक्शन फिल्म है जो अब OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बगीरा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म है जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की एक मील का पत्थर भी साबित हुई है। बगीरा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दिन में आम आदमी होता है लेकिन रात में वो सुपर हीरो बगीरा बन जाता है। वे अपने गाँव वालों को न्याय दिलाने के लिए बुराई से लड़ता है। अगर आप एक्शन थ्रिलर और एक अच्छी कहानी वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो बगीरा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये फिल्म आपको कन्नड़ सिनेमा की दुनिया में ले जाएगी और आपको एक नया अनुभव देगी। बता दें कि ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें श्री मुरली मुख्य भूमिका में है। इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 29 करोड़ का कलेक्शन किया था और 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई थी। अब ये फिल्म OTT पर आ गई है। ये कन्नड़ सुपर हीरो फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं क्योंकि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म कन्नड़ भाषा की है और इसे हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है। ये कन्नड़ भाषा की फिल्म को डॉक्टर सूरी ने लिखा है और निर्देशित भी किया है। यह फिल्म में वेदांत नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है जो सुपरमैन जैसा बनना चाहता है और उसे उम्मीद का प्रतीक मानता है। हालांकि वह अपने पिता की तरह एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह पुलिस में भर्ती होता है। वह पुलिस ऑपरेशन करता है जिसमें कई गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण उन अपराधियों को भी रिहा कर दिया जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसके पिता भी भ्रष्ट अधिकारी है जो उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिला देता है। इन सब के बीच उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वह न्याय के लिए एक सुपर हीरो की पोशाक पहन लेता है और बगीरा बन जाता है। कन्नड़ फिल्म बगीरा में श्री मुरली ने RPA वेदांत प्रभाकर और बगीरा की भूमिका निभाई है। रुक्मिणी वसंत डॉक्टर स्नेहा की भूमिका में नजर आई है। प्रकाश राज ने गुरु की भूमिका निभाई है जो एक CBI अधिकारी है। अच्युत कुमार प्रभाकर की भूमिका में है। रंगनारायण रघु ने नारायण की भूमिका में है और सुधा रानी ने वेदांत की माँ की भूमिका निभाई है।